जैसे कि आप देख सकते हो अभी एसी वेंट्स क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। ये हमने इंजन को कर दिया ऑन, एसी भी हम ऑन करेंगे, ब्लोअर मोटर की स्पीड को भी फास्ट कर देंगे। ये है एयर वेंट्स क्लीनर फोम बॉटल, जिसे हम जो गाड़ी के एसी वेंट्स है उसके अंदर उसके पाइप को डालकर हम उसे स्प्रे करेंगे। अभी स्प्रेइंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो जैसे जैसे अंदर फोम जाएगा वैसे वो अंदर की डर्ट को लेकर बाहर डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर निकलेगा। तो आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप हर एक वेंट्स को हम कवर करें। आप देख सकते हो एक्सेसिव फोम आया, इतने फोम आने तक का वेट नहीं करना। और वो फोम भी देख सकते कि वो पूरा गंदा फोम है, वो खाली वीडियो पर्पज तक के लिए हमने उसे इतना बाहर तक लिया है, वरना इतना बाहर आने तक का वेट नहीं करना होता है वो, बिकॉज वो आखिर में मेल्ट होकर आपके डिस्चार्ज ट्यूब है गाड़ी के नीचे से वहां से बाहर निकल। आप देख सकते हैं हमने बाउल रखा हुआ है, ये यही से आपका जो फोम अपने वेंट्स में दिया हुआ है वो यही पे मेल्ट होके पूरा उसका पानी बन जाता है। जो भी गंदगी हो पूरा आपके इस बाउल में आ गई, देख सकते हो आप गंदगी है आप ये इसी वेंट्स की। अब ये कैबिन डिओड्राइजिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपको बटन दिख रहा है, उस बटन को प्रेस करना होता है। एसी बटन को प्रेस करके हम ब्लोअर मोटर की स्पीड को फास्ट कर देंगे। और इसमें एक चीज याद रखिए, हमें इसे इंटरनल वेंटिलेशन पे रखना है एसी का जो सेटिंग्स है उसे। तो हम उसे प्लेस कर देंगे। ये स्प्रे शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस में इस स्प्रे बॉटल को खत्म होने के लिए यूजुअली 15 टू 20 मिनट्स हमको वेट करना होता है इस प्रोसेस के लिए। 15 टू 20 मिनट्स बाद आप गाड़ी के डोर्स खोलकर आप अंदर बैठ सकते हो या ये गाड़ी यूज करने के लिए रेडी हो जाएगी। जैसे आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से पूरे कार का इंटीरियर डिओड्राइज हुआ और एसी वेंट जो है फोम से क्लीन हुआ। कस्टमरों से रिक्वेस्ट है कि हर क्वार्टरली ये करे, ताकि कार के अंदर जर्म फ्री रहे, साथ ही साथ ये जो स्मेल आते हैं कार के अंदर गर्मियों के सीजन में बारिशों में ये नहीं आएगा, और आपको एक्सपेंसिव परफ्यूम सब लगाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।